नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊंगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि मेरी वीडियो की श्रृंखला चल रही है, अभी तक हमने 4 राशियों के बारे में बता चुका हूँ, 4 वीडियो मेरा बना चुका हूँ। उन वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। तो जिन लोगों की राशि सिंह है, उनका ये वर्ष आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यानी इस वर्ष आपको जो है वो, अगर आप अपनी दिनचर्या, अपनी जो रोज़मर्रा की जीवन है, उसको अच्छे से चलाने के लिए, व्यवस्थित चलाने के लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। आपने अपने व्यापार या नौकरी में, नौकरी के क्षेत्र में सफलता के लिए आपको अपने परिवार से पूरी मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करना चाहें अपने व्यापार में या नौकरी में, तो अपने घर वालों की मदद जरूर लें और वो मदद आपकी करेंगे भी सही। यदि आप मुख्य व्यवसाय के अलावा कोई साइड बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यानी कि आप दो काम करना चाहते हैं, यानी नौकरी तो आप कर ही रहे हैं, व्यवसाय तो आप कर ही रहे हैं, साथ में कोई साइड बिजनेस भी अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। वर्ष के मध्य में, यानी कि जून जुलाई में, भूमि, भवन, फैक्ट्री, मशीनरी कार्यों में विलंब के संकेत हैं। यानी आप कोई भूमि खरीदना या बेचना चाहते हैं, या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो इसमें जरूर विलंब हो सकता है। और यही वो समय रहेगा जब आपके किराएदारी या किराएदारी या पट्टे आदि से संबंधित किसी प्रकार की उलझन आपको हो सकती है। कृषि भूमि, व्यावसायिक, आवासीय भवन की अड़चनें आ सकती हैं, जिन्हें आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से सुलझा लेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको पदोन्नति मिलने के योग हैं। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिल सकते हैं, या अगर आप संतान चाहते हैं तो आपको संतान होगी, या फिर आपकी संतान है तो उनके तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। यदि आप समाज से भी हैं, तो आपका सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। यानी कि आप एक समाज से भी, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ करते हैं, तो इस क्षेत्र में आपको और मान सम्मान मिलेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों में जो आप इतनी मेहनत करेंगे, इसमें आपके कमर, कंधे का दर्द आपको कष्ट दे सकता है, तो इसकी आपको विशेष ध्यान रखना है। ना चाहते हुए भी आपको कई लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। नौकरी में आपको सहकर्मी से मदद मिल सकती है, यानी जो अपने पार्टनर्स हैं, जो आपके साथ में काम करते हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ आपका अच्छा रहेगा और वो आपसे आपकी मदद भी करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा क्षेत्र में सफलता कड़ी मेहनत के बाद ही मिलती है, और इस बार भी ऐसे ही होगा कि अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप उस कड़ी मेहनत करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ष का लाभ उठाना चाहते हैं, सभी परेशानी से बचना चाहते हैं, तो गणपति जी के आपको पूजन करना चाहिए, हनुमान जी की आपको आराधना करना चाहिए, हाथ में आपको मूंगा धारण करना चाहिए, और पीपल के वृक्ष का पूजन एवं फलदार पेड़ लगाना, और वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धों की सेवा करना, ये आपके लिए विशेष फलदायी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।